क्या आप जिंदगी भर दूसरों का फोटो देखकर यही कहोगे कि भाई ऐसा एडिटिंग करते कैसे? मैं भी तो करता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जिंदगी भर एडिटिंग देखते हो, सीखते नहीं हो। देखो भाई, एडिटिंग की जितनी भी प्रोसेस होता है वो लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग होता है। वो होता है कलर ग्रेडिंग एंड कर्व टूल से। ये दो चीज हमारी फोटो में नमक की तरह काम करता है, एकदम टेस्ट बना देता है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो कर्व टूल के ऊपर मेरा खुद का नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। असल में कर्व टूल को यूज करते कैसे है और कितना करना सही है और क्यों करना सही है। ओके, कर्व टूल को सीखने से पहले आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है, हाईलाइट एंड शैडो। ये दो पॉइंट बाइक की क्लास एंड ब्रेक की तरह काम करता है। हर एक जगह आपको जरूरत पड़ेगा, चाहे वो लाइट एडजस्ट में हो, चाहे कलर ग्रेडिंग, चाहे कर्व टूल में हो। तो पहले आपका एक फोटो लाइटरूम पर शेयर करना है एंड आपसे जितना हो सके उतना आपको एडिटिंग कर लेना है। तो एग्जांपल के हिसाब से मेरा ये फोटो है, मुझसे जितना हो सके उतना मैं इस फोटो में एडिटिंग करके रखा हूं। और इस फोटो में दो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है हाईलाइट एंड शेडो। इस फोटो में इस जगह हाईलाइट है और इस जगह शेडो है। ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके फोटो में किस जगह हाईलाइट है, किस जगह शेडो है, वो भी आप पॉइंट करके रखो। इस फोटो में अभी मैं कर्व टूल यूज करूंगा और मैं करूंगा लाइटरूम पर। अगर आप चाहो तो स्नैपशॉट पर भी कर सकते हो। तो कर्व टूल होता है ना, वो पीसी में हो या फोन में हो या वीडियो एडिटिंग में हो, सब में प्रोसेस सेम होता है। तो चलो इसके लिए हम चलते हैं फोन के स्क्रीन पर। ओके, अभी तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। तो हम कहां पर थे कि हमारे फोटो को थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेना है, जैसे कि आप बिफोर देख सकते हो एंड आफ्टर, जितना हो सके उतना मैं एडिटिंग करके रखा हूं। आपको भी सेम इसी तरह से एडिटिंग करके रखना है एंड आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है जो आपको मैंने पहले बताया, व्हाइट पार्ट एंड ब्लैक पार्ट। इस फोटो की जो ब्लैक पार्ट है वो है ए पार्ट, ये है शेडो पार्ट, ए पार्ट है हाईलाइट एंड बीच का जो पार्ट है ये होता है मिड टोन। समझ रहे हो? तो कर्व टूल पर जाने के लिए आपको जाना है लाइट पर एंड इधर आपको कर्व टूल दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना है। इधर आपको चार कलर मिलता है, एक होता है व्हाइट, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू। फर्स्ट पॉइंट, आपको व्हाइट टूल को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाइट को हम लाइट से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो लाइट है ना, ये हमने पहले से व्हाइट को एडजस्ट करके रखे, तो व्हाइट टूल को छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीन कलर से हम क्या करेंगे, एक फोटो में एक टोन डालेंगे। ओके, अभी ध्यान से समझना कर्व टूल की बेसिक फंडा। ये जो पार्ट है ये होता है शैडो, ये जो पार्ट है ये होता है मिड टोन, ये जो पार्ट है ये होता है हाईलाइट। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो, देखकर आप ध्यान से समझ लेना, ये पार्ट शैडो है, ये पार्ट मिड टोन है, ये पार्ट हाईलाइट है। देखो, फोटो में टोन डालने के लिए किसी भी एक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, चाहे रेड करो, ग्रीन करो या ब्लू। जब आप किसी भी कलर पे टच करोगे उससे पहले कलर की जो बेसिक फंडा है वो आपको समझ लेना है। इधर देखो आप, जो रेड कलर है इसका जो ऑपोजिट कलर है वो सियान एंड जो येलो कलर है इसका ऑपोजिट कलर है ब्लू। सेम इसी तरह ब्लू की ऑपोजिट येलो है एंड मेजिंडा की ऑपोजिट ग्रीन है एंड ग्रीन की ऑपोजिट मेजिंडा है। समझ रहे हो? इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, जो आपको बाद में काम आएगा, इसको आप ध्यान से समझ लेना। और एक बात, जो ग्रीन का ऑपोजिट मेजिंडा है इसका मतलब यही कलर नहीं है, इधर जो तीन कलर दिख रहा है ये तीनों कलर है। ग्रीन को जब नीचे की तरफ करोगे तो इधर जो तीन चार कलर दिख रहा है वो कुछ भी एक हो सकता है, जितना नीचे करते हो जितना ऊपर करते हो उस हिसाब से काम करेगा। इससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसे कि इधर आप देख सकते हो रेड कलर, इसका जो ऑपोजिट कलर है वो है ब्लू एंड इधर आप देख सकते हो ग्रीन कलर, इसका जो ऑपोजिट कलर है वो है मेजिंडा एंड इधर देख सकते हो ब्लू कलर है, इसका ऑपोजिट कलर है येलो। सेम इसी तरह से काम करता है। अब कुछ भी कलर ले लो, कुछ भी कलर ले लो, इसका ऑपोजिट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप रेड करते हो तो रेड को आप थोड़ा थोड़ा नीचे करोगे तो ब्लू होगा। अगर आप ग्रीन कलर को सिलेक्ट करते हो, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके नीचे करोगे तो मेजेंडा होगा। और ब्लू, इसको आप ध्यान से समझना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं फोटो में। तो फोटो में हम कहां पर थे कि व्हाइट को छेड़ना नहीं है, क्योंकि इसको हम लाइट से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी है रेड, तो रेड टोन मैं ज्यादातर फोटो में रखता नहीं हूँ, मैं ज्यादातर फोटो में ग्रीन टोन रखता हूँ। तो मैं ग्रीन पर जाऊंगा। तो ग्रीन पर जाने के बाद इधर आपको क्या करना है, तीन टैप कर लेना है। पहले शेडो के साइड जो शेडो है इधर आपको एक टैप कर लेना है और इसको एकदम बीच में रख देना है, कुछ इस तरह से एकदम बीच में रख देना है। इसको आप शेडो या ना शेडो वो उससे मतलब नहीं है, बस आपको लॉक कर लेना है। ये जो कर्व है ना इसको लॉक कर लेना है कुछ इस तरह से, और बीच में एक बीच में ऐसे ऐसे लॉक कर लेना है। तीन पॉइंट आपको बना लेना है, मतलब हमारी फोटो को लॉक कर लेना है। अगर आप हाईलाइट को नीचे या ऊपर करोगे तो इधर अगर हिल गया तो, इसीलिए लॉक कर लेना है। अभी क्या करेंगे, ग्रीन कलर को हम थोड़ा ऊपर करेंगे। जब हम ग्रीन कलर को ऊपर करेंगे जिस जगह हाईलाइट है उसी जगह काम होगा। जैसे कि ग्रीन कलर को हम ऊपर करते तो इधर हाईलाइट है एंड फेस में हाईलाइट है, इसी जगह काम करेगा। समझ रहे हो? इसी जगह काम करेगा। तो हम क्या करेंगे,
जो हाईलाइट है इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, देखना थोड़ा ऊपर करेंगे, देख सकते हो थोड़ा। और जब भी आप कर्व टूल को छेड़ो तो थोड़ा ही करना, उससे ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा करोगे ना फोटो खराब बन जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा शेडो, शेडो पॉइंट, समझ रहे हो शेडो पॉइंट। तो शेडो को क्या करेंगे, शेडो को थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे के साइड करेंगे तो जो मेजेंडा है ना वो कलर होगा, तो ऊपर के साइड करेंगे तो ग्रीन होगा। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, इसको 20 में रखते हैं कुछ इस तरह से, इसको ऐसे 20 में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेड कलर पर जाएंगे। रेड कलर पर जाने के बाद इधर भी आपको 3 पॉइंट बना लेना है। तो पहले 20 में एक पॉइंट बना लूंगा, इधर एक पॉइंट बना लूंगा और इसको एकदम सीधा रख दूंगा, ये सब एकदम सीधा रखूंगा, छेड़ूंगा नहीं एकदम। और शेडो, तो शेडो को क्या करेंगे, शेडो को थोड़ा ऊपर करेंगे। शेडो ऊपर करने पर क्या हो रहा है, जो शेडो पार्ट है उसमें रेड हो रहा है, ये जगह शेडो पार्ट है, ये जगह शेडो पार्ट है, ये सब रेड हो रहा है। तो देख सकते हो ये सब रेड हो रहा है, इस जगह भी रेड हो गया, इस जगह भी रेड हो गया, और भी है जैसे कि नीचे के पार्ट देख सकते हो, नीचे के पार्ट आप देख सकते हो ये सब भी रेड हो चुका है। तो ऐसे आप फोटो में एक टोन डाल सकते हो, ये टोन डालने के बाद जो हमारा फोटो है वो देख सकते हो एकदम ऑसम लग रहा है, भाई साहब लग रहा है। तो ऐसे आप टोन डालो, तो इसको करते हैं डन। तो आपको क्लियर समझ में आ गया कर्व टूल को छेड़ते कैसे। ओके, अभी मैं आपको स्नैपशॉट पर 30 सेकंड में दिखा देता हूं किस तरह से करना है। देखो भाई ये है स्नैपशॉट, इसमें क्या होता है, इधर आपको पेंसिल दिख रहा है, पेंसिल पर जाना है, एंड इधर आपको कर्व टूल दिख रहा है तो इधर जाना है। जाने के बाद इधर आपको सारे कलर मिल जाएगा, जैसे कि मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इधर आप देख सकते हो, इधर ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। तो ये सब सेम प्रोसेस है जैसे कि लाइटरूम में है वैसे ही है। तो इसको क्या करना है, मैं रखूँगा ग्रीन पर रखने के बाद, अरे मैं रखता हूँ ग्रीन पर रखने के बाद इधर भी आपको 3 टैप करना है, जैसे कि ऐसे आपको 3 टैप करना है, ऐसे 3 टैप करना है। करने के बाद सेम प्रोसेस है, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करेंगे एंड उधर क्या क्या था रेड कलर, तो इधर भी 3 टैप करेंगे फिर से। करने के बाद रेड कलर को थोड़ा ऊपर के साइड करेंगे, सेम टोन आ गया। हर एक एप्स पर सेम प्रोसेस है, आप इजीली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको लाइटरूम चाहिए तो कुछ भी कर सकते हो, वीडियो में भी ऐसा ही प्रोसेस है। तो ये थी आज की वीडियो, तो मैं कर्व टूल को कुछ ऐसे यूज करता हूँ एंड आप भी कुछ ऐसे यूज करो एंड अपनी फोटो में नमक डालो। आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, अगर आज का वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल में आज पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एडिटिंग में क्या क्या मिस्टेक करना नहीं चाहिए तो आप एक बार ये वीडियो देख लो जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।